कट मारता है ना वो नहीं, पूरी फुल करनी है जी, पूरी फुल करनी है, पूरी फुल। दर्शन करके हम आ गए हैं, अब हम नीचे की तरफ जाएंगे। इधर से आ रहे हो? इधर से आ रहे हो? नीचे से आ रहे हो? नीचे से। अच्छा नीचे से आ रहे हो, रास्ता भूल जाता हूँ बड़ी जल्दी में, दो रास्ते थे अभी। तो रास्ते में रुके हैं, अभी करसोग जा रहे हैं। अभी करसोग यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। माहिर को भूख लग गई है, इसके लिए हमने दही दही इसको खिला रहे हैं। अभी दही थोड़ी सी खट्टी है, कल रात को ली थी वैसे, लेकिन देखते हैं। और हम पीने वाले हैं एप्पल ड्रिंक। ये कौन सी कंपनी की थी? हिमाचल में मिलती है, प्योर नेचुरल एप्पल जूस लिखा है उसके ऊपर, सिंस 1992। पी के देखते हैं फिर कैसा है ये। उन्होंने बताया था कि इसके अंदर 2 किलो जो सेब होते हैं, 2 kg सेब, 2 kg एप्पल का रस है इसके अंदर, प्योर है। मतलब उन्होंने ये कहा था, पी के पता लगेगा सही का या वे। तो हिमालय टेस्ट कर रही है अभी एप्पल जूस, ये प्योर एप्पल जूस है। कैसा लगा? टेस्टी है। 2 kg एप्पल है इसमें, ठीक लगा? सिरका नहीं, सिरका होता है खट्टा, ये तो बिल्कुल मीठा है। वैसा कह रही हूँ, सिरके सेब का सिरका होता है ना, वो खट्टा होता है, सबका इसमें से भी हम ज़्यादा। करसोग में पहुँच गए हम, लेकिन यहाँ पे जो निचाई है ना, अब कैमरे का मुंह हमारी तरफ अब दिखा नहीं सकते आपको, बहुत नीचे है। देखो कैसे नीचे जा रहे हैं, देखो ये नहीं पता कि रास्ता ठीक भी है नहीं ठीक है। मैप में क्या दिखा रहा है, रास्ता ठीक है? अच्छा चल तो रहा है, कौन सा पता नहीं, कल से ये बदल रहा है, पूछता हूं मैं। मंदिर के लिए रास्ता ही है, मंदिर के लिए ममलेश्वर। अभी हमने रास्ता पूछा है तो रास्ता यही है, से ट्रैफिक है यहाँ पे। पहुंचने वाले हैं शायद मंदिर पास में ही होगा, और कमाल की बात यह है बाजार में भी 5 किलोमीटर चल रहे हैं।
30 की स्पीड में। ममलेश्वर महादेव मंदिर हम पहुंच चुके हैं और इस मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। ये मंदिर जो है महाभारत काल का, ऐसा माना जाता है यहाँ पे मंदिर में एक धुना है और वो महाभारत काल से जल रहा है अभी तक, और भीम का और पांडवों का इस मंदिर से गहरा रिश्ता है। चलते हैं फिर मंदिर के अंदर। तो मंदिर में हम प्रवेश कर चुके हैं, 10 वर्ष से कम मंदिर नहीं आता। मंदिर के अंदर काफ़ी सारे रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं। कहाँ उतारने जी? हाँ नहीं उतारने, उन्होंने कहा ये मंदिर है जी, मंदिर में चलते हैं अभी, पहले शूज उतारने पड़ेंगे हमें। चलो बाबू, मंदिर के अंदर भी ये एंट्री कर बंद है, देख लेते हैं अभी एंट्री होती या नहीं होती। अभी पंडित जी ने बताया हमें कि मंदिर यहाँ पर बंद है और 1 तारीख को खुलेगा। ये मंदिर माता पार्वती और भगवान शिव का मंदिर है। इस मंदिर का पांडवों से भी गहरा नाता है, बहुत पुराना नाता है। यहाँ पे पांडव भी आए थे अज्ञातवास के टाइम पर और कुछ समय उन्होंने यहाँ पे गुजारा था। यहाँ पे एक गेहूँ का 200 ग्राम का वजन का एक दाना भी है यहाँ पे, जो पंडित जी के पास है। हम उसे देख नहीं पाए, लेकिन पंडित जी से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी अगर यहाँ पर कोई देखना चाहता है। और यहाँ पे पांडवों द्वारा स्थापित 5 शिवलिंग हैं जो मंदिर के अंदर ही हैं, वो भी हम नहीं देख पाए थे। अगर आप में से कोई कभी जाता है तो वहाँ पे वो उनके भी दर्शन किए जा सकते हैं। इस जगह की एक स्टोरी और है, यहाँ पे एक राक्षस हुआ करता था जिसने गुफा के ऊपर अपना डेरा जमाया हुआ था, और लोगों ने, जो यहाँ के लोग थे, उन्होंने उस राक्षस से एक समझौता किया था कि वो लोग हर रोज़ 1 आदमी को उस राक्षस के पास भेज देंगे और वो उसे खा लिया करेगा। अगर ऐसा ना करते तो वो सभी लोगों को खा जाता। तो जिस घर के अंदर पांडव रुके हुए थे, एक दिन उस घर की बारी आई, तब क्या हुआ, तो भीम जो है उस लड़के की जगह वहाँ पर चला गया और भीम ने उस राक्षस से युद्ध करा और उसे मार गिराया था। इसी वजह से आज तक एक यहाँ पर धुना है जो 5000 साल से जलता आ रहा है, जो पांडवों की याद में जल रहा है। और यहाँ पर एक भीम का ढोल भी है। नजारे हमें दर्शन हो गए माता जी।